सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आइए तो जानते हैं इसके बारे में और डिटेल से। कान के पर्दे में छेद को हम लोग टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन कहते हैं और इस अवस्था को हम लोग क्रॉनिक सपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया यानी कि CSOM के नाम से कहते हैं। CSOM दो तरीके के होते हैं, एक होता है सेफ टाइप का जिसमें कान में अक्सर मवाद आता रहता है लेकिन हड्डी में इन्फेक्शन नहीं लगता है और कान का इन्फेक्शन को ब्रेन तक जाने का चांस बहुत मिनिमल होता है। इस अवस्था को हम लोग कहते हैं सेफ टाइप ऑफ CSOM। और एक और अवस्था है जिसमें के हड्डी में इन्फेक्शन लग जाता है, जो हमारे कान की मैस्टॉइड बोन है उसमें इन्फेक्शन लगने के वजह से धीमे धीमे इन्फेक्शन सीप करके हमारे दिमाग की तरफ जा सकता है और इस कंडीशन को हम अनसेफ टाइप ऑफ CSOM कहते हैं। और इसमें अक्सर हम देखते हैं कोलिस्टिटोमा, जो कि एक तरीके का हड्डी के गलने की वजह से बनता है, और ग्रैनुलेशन डिजीज़ जैसी अवस्था उत्पन्न हो सकती है। इन दोनों ही अवस्था का टेम्परेरी इलाज होता है कि हम एंटीबायोटिक्स दें, कान में डालने के लिए ईयर ड्रॉप्स दें और कान की नियमित रूप से साफ़ सफाई रखें, कान में पानी को नहीं जाने दें। लेकिन इन दोनों ही अवस्था का स्थायी इलाज होता है ऑपरेशन।